स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। तो देखिए, मैसूर भेंडा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे मैंने यहाँ पे ले लिया है पहले मैदा, यानी कि रिफाइंड फ्लोर। सबकी क्वांटिटीज़ लिखी हुई है मैंने, आप वहाँ नीचे से देख सकते हैं। राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, कर्ड यानी कि दही, साथ ही में ये फाइनली चॉप्ड जिंजर, बेकिंग सोडा, सब पहले से मेज़र किया हुआ है, आप भी मेज़र करके इसी तरीके से रख लीजिएगा। सॉल्ट स्वाद के अनुसार, ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, और ये है क्यूमिन यानी कि जीरा। तो बस इतने से इंग्रेडिएंट हैं इसके, और इसके साथ ही हम बहुत अच्छा एकदम क्रिस्पी बोंडा बना करके रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जितना पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का पहले बैटर रेडी करना है। बैटर इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका बैटर सही बना तो आपका बोंडा कहीं नहीं जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और बातों बातों में हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अच्छे से विस्क करते हुए हमें इसका बैटर रेडी करना है। ये हमारा बैटर इसमें तैयार है। अब हम इसको थोड़ा कवर करके 15 मिनट के रख देंगे, तो हमारा जो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा और इसमें से ये हमारा जो है स्मूथ बैटर रेडी हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा रेडी है। यहाँ पे हमने हॉट ऑयल ले लिया है तलने के लिए। अब जो भी ऑयल यूज़ करते हो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कौन कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे तिल का तेल लिया है, और इसमें आप अपने गोल 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 बोंडे तैयार कर लीजिए। अच्छे से इनको एकदम स्लो गैस पे हमें गोल्डन ब्राउन तलना है। अच्छे से हमको दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए एकदम क्रिस्पी इनको तल लेना है। बारिश के दिनों में ना बोंडे का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और साउथ में यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये बोंडा। मेरे बच्चे तो जब भी उनको कुछ भी कहना, पूछो कि क्या खाओगे, बोंडा भाई बोंडा ले आओ। और किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइए। चलिए, बातों बातों में अब हम दूसरा बैच भी अपना रेडी कर लेते हैं इस तरीके से। और ये देखिए क्या फूल रहे हैं, ये क्या मस्त एकदम गोल गोल फूले फूले क्या बढ़िया बन रहे हैं। बस इन्हें भी हम एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन तल करके रेडी कर लेंगे, और फिर हम इन्हें सर्व करेंगे किसके साथ, यानी गेसेस किसके साथ, वही अपनी नारियल की चटनी और सांभर के साथ। बाज़ार में हम जनरली जब बोंडा लेने जाते हैं तो मतलब यहाँ का तो स्ट्रीट फूड है ये, और ये यहाँ पे इसी तरीके से खाली चटनी के साथ भी मिलता है। स्ट्रीट फूड में के तौर पे जब मिलता है तो इसमें सांभर नहीं मिलता है साथ में, बट हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब जाते हैं तो हम इसे सांभर के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। सांभर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और इन क्रिस्पी बोंडों को बना करके आप इसके मज़े ले सकते हैं। तो नॉर्थ में ही बैठ के आप साउथ के मज़े लीजिए। फटाफट ये रेसिपी नोट करिए और क्रिस्पी क्रिस्पी बोंडे बना करके मुझे उसमें ज़रूर बताइए कि आपके कैसे बने हैं। तो यही है होममेड चटनी और सांभर के साथ मेरे आज के मैसूर बोंडे, जो करके मैंने बिल्कुल घर में, मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी है, कितना क्रिस्पी, आप ये देखिए, अच्छा सॉफ्ट जूसी और क्रिस्पी, ये है इसकी क्वालिटी, ये है इसकी पहचान।
तो बस ऐसे ही बोंडे आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर।